हे फ्रेंड्स, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का पार्ट। ये अपना यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस का पहला वीडियो है। इसी टाइप से और भी वीडियोस आपको आगे मिलती रहेगी। आपको पता है कि यूट्यूब में मैंने इनसे रिलेटेड वीडियोस अपलोड की हुई है। पूरा प्रॉपर पार्ट है, ये नहीं कि कहीं आधा अधूरा छोड़ा हुआ है। आपको पूरा पार्ट मिलेगा, जैसे लीज फाइनेंसिंग पूरी कवर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की शायद PDF ये नहीं है, तो मैं उसकी अलग से वीडियो बना के आपको दे दूंगा। कैपिटल स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम की अपलोड नहीं है तो वो मिल जाएगी आपको। तो सीक्वेंस से आपको सारा पार्ट मिल जाएगा, और जो जो वीडियो अपलोड नहीं है वो भी आपको लिंक के फॉर्म में मिल जाएगा। और आपको PDF प्रोवाइड करता हूँ। पहले अनसॉल्व्ड MCQs आप खुद कवर कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद उसके रेड टिक की भी PDF मैं आपको दे दूंगा। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी कवर है, तो एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी आपको मिल जाएगी MCQs से रिलेटेड। सबसे पहले देख लेते हैं ये सिंपल पार्ट। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे बिजनेस फाइनेंस क्या है, फिर उसका स्कोप, फिर फाइनेंस के सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है। वैसे इससे रिलेटेड तो आपके जब भी एग्जाम में आते हैं तो इतने ज़्यादा पार्ट आता नहीं है। आपसे असर्शन रीजन या स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 के फॉर्म में पूछ सकता है जब भी बिजनेस फाइनेंस की मीनिंग या स्कोप की बात होती है। लेकिन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में कभी कभी पूछ सकता है। पर जैसे ही आप पर्टिकुलर अलग अलग टॉपिक्स देखोगे, जैसे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में मैंने बोला कि ADR GDR, अब जनरली वो आप क्या करते हो, बिजनेस फाइनेंस में आगे का एक टॉपिक अलग से यूरो करेंसी, GDR ADR, इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट का पार्ट उसमें कवर कर लोगे। इसी तरीके से आप देखते हो कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, वो भी इसमें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में, तो वो आप मनी मार्केट में कवर कर लोगे। फिर आपका इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इनसे रिलेटेड पार्ट है जो कि जनरली आप अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में कवर कर लोगे। तो ज़्यादातर आप सारे पार्ट अलग अलग जगह कवर कर लेते हो। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँगा पूरा पार्ट तो एक तरीके से सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो लेंथी हो जाएगी और उसका प्रोसेस सही नहीं रहेगा। तो मैंने यहाँ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के नेम लिख लिए और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन से होते हैं वो कवर किए, लेकिन उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो क्या होगा, पर्टिकुलर अलग अलग टॉपिक्स में वो कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं बिजनेस फाइनेंस क्या है। देखो सीधी बात है, आप बिजनेस करते हो तो आपको क्या चाहिए होता है, पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मनी की ज़रूरत होती है। और वो मनी कहाँ से पूरी होगी, यानी मनी की नीड हम बोल सकते हैं कि वो फाइनेंसिंग के थ्रू या फंड कैसे एक्वायर करें, उसको कैसे अलोकेट करें, उसकी सारी नीड ही बिजनेस फाइनेंस का पार्ट है। तो हम बोलेंगे बिजनेस का फाइनेंस करना, ठीक है। तो बिजनेस किससे रिलेटेड होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, एक्सचेंज करने से रिलेटेड होता है, ताकि जो सोसाइटी की नीड्स है उसको सेटिस्फाई किया जाए, जो भी ह्यूमन वांट्स है उसको सेटिस्फाई किया जाए, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मनी की जरूरत होती है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, फाइनेंस। इसलिए बोल रहा है फाइनेंस एक बिजनेस का क्या है, सोल है, एक आत्मा है। तो इसलिए फाइनेंस हम कहाँ से अरेंज करें, किस सोर्स से अरेंज करें, ठीक है, लॉन्ग टर्म सोर्स है, मीडियम सोर्स है, शॉर्ट टर्म सोर्स है। हम बोलेंगे हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल वाला लोन चाहिए। अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए कोई असेट्स परचेज करनी है, कोई मशीनरी परचेज करनी है जिसमें बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत है, तो हम कहाँ से वो सोर्स अरेंज करेंगे। तो अलग अलग सोर्स होते हैं, कंट्रीज़ के हिसाब से भी अलग अलग सोर्स होते हैं, तो वहाँ से आप बिजनेस फाइनेंस क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। यहाँ पे बोल रहा है बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज़ नीडेड बाय अ बिजनेस। जब भी बिजनेस को जरूरत होती है तो मनी का प्रोविजन कहाँ से हो सके, मतलब मनी की जरूरत कहाँ से पूरी की जा सके। इट इंक्लूड द वेज इन विच ए कंपनी ऑप्टेन एंड यूजेज मनी, कंपनी कहाँ से मनी प्राप्त करती है और उसको कैसे यूज़ कर सकती है। तो मैंने क्या बोला, कैसे फंड एक्वायर होते हैं, उसके बाद उसको कैसे अलोकेट करना है, मतलब यूज़ कैसे करना है, वो पार्ट भी इसमें आता ही आता है। यूजली आप इसको नॉर्मल टर्म में क्या बोलते हो, लोन, कि लोन कहाँ से अरेंज किया जाए और उसको कैसे कैसे अपने बिजनेस में यूज़ किया जाए, ठीक है। इन ब्रॉडर कंटेक्स्ट बिजनेस फाइनेंस इज अबाउट स्ट्रेटेजीज फॉर अर्निंग, तो जो रेवेन्यू है उसको कैसे कमाया जाए, उसमें से कितना सेव किया जाए और कितना इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है। तो जनरली आप जब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये देखते हो तो कंपनी क्या देखती है कि कितना इन्वेस्ट किया जाए, कितना सेव किया जाए, कितना शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में बांटा जाए। तो इन्वेस्टिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, वो सारा पार्ट उसमें आता है। पर यहाँ पे हम बिजनेस फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसकी जनरली मीनिंग देख रहे थे, फिर देख रहे हैं स्कोप, फिर देखेंगे इससे रिलेटेड पार्ट हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का पार्ट। तो अब देख लेते हैं स्कोप और बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है। तो देखिए स्कोप का मतलब जनरली क्या होता है, स्पेयर ऑफ रिसर्च। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि रिसर्च का फैलाव, कहाँ कहाँ तक रिसर्च हम करने वाले हैं, हम जो भी स्टडी कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, ठीक है, वो कहाँ कहाँ तक कवर है। स्टडी डेट इज़ कवर्ड बाय सब्जेक्ट, तो वो कहाँ कहाँ तक कवर है, जनरली वो स्कोप की बात कर रहा है। तो स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज हैंस द ब्रॉड स्कोप डिनोटेड बाय दिस सब्जेक्ट। तो जनरली बोल रहा है कि इसलिए बिजनेस फाइनेंस का स्कोप क्या होगा, जो कि इसके सब्जेक्ट के थ्रू डिनोट होगा। अब बिजनेस फाइनेंस को हमें कहाँ कहाँ तक देखना है, या उसका फैलाव कहाँ कहाँ तक है, वो किस नीड के लिए काम आता है,
वो सारा पार्ट स्कोप में आता है। हम बोल सकते हैं कि बिजनेस फाइनेंस को स्टडी करना, एनालिसिस करना, एग्जामिन करना, ताकि ये देख सकें कि फंड को कैसे एक्वायर किया जाए, जो कि किससे रिलेटेड होगा, कैसे फंड को एक्वायर किया जाए बिजनेस के लिए और उस फंड को कैसे एलोकेट किया जाए। अब मैंने बोला कि मुझे मशीनरी परचेज करनी है, तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा कि मुझे किसकी ज़रूरत है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस की या लॉन्ग टर्म फाइनेंस की या मीडियम फाइनेंस की, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कि आपकी मशीनरी कितनी है, आपको कितने फंड की ज़रूरत है। अगर आपकी छोटी मोटी मशीनरी है तो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस के थ्रू भी पूरी हो सकती है और आप फटाफट लोन पेमेंट कर सकते हो, जिसमें जनरली आपको पता है कि एक साल का पार्टी रहेगा। लेकिन अगर आपको मीडियम टर्म फाइनेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि मशीनरी कॉस्टली है और आप उसका 2-3 साल में, 4 साल में पेमेंट कर सकते हो, तो उस तरीके से आपको फंड की ज़रूरत होगी। फिर आपको बोल रहा है कि आपको क्या करना है, अलोकेट करना है। तो अलोकेट का मतलब क्या हुआ, मैंने बोला आपको मशीनरी खरीदनी है, तो आप उस फंड को क्या करोगे, मशीनरी खरीदने में यूज़ करोगे, उसके बाद उसके थ्रू प्रोडक्शन होगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा और उससे देखोगे कि कितना इनफ्लो आया। अगर आपको पता है कि आप देख रहे हो रिस्क मैनेज करने की बात कर रहे हो, तो आप क्या देखते हो, जैसे कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, तो उसमें आप देखते हो कि इस पर्टिकुलर मशीन से कितना इन्फ्लो होगा या इसकी कॉस्ट क्या लग रही है, क्योंकि आपको पता है कि 50 लाख की मशीन खरीदोगे तो 50 लाख के फंड की जरूरत होगी। उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने फाइनेंस किया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब वो इंटरेस्ट का पार्ट ज़्यादा आ रहा है या इनफ्लो ज़्यादा आ रहा है, अगर इनफ्लो ज़्यादा आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आप उस फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजन करंट में ही सोच रहे हो, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बिजनेस फाइनेंस का फैलाव बहुत ज़्यादा है। तो यही बात ये कर रहा है, बिजनेस फाइनेंस स्टडीज एनालाइज एंड एग्जामिन्स वाइड एस्पेक्ट रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ फंड्स फॉर बिजनेस एंड अलोकेट दोज फंड्स। देर आर वेरियस फील्ड्स कवर्ड बाय बिजनेस फाइनेंस एंड सम ऑफ देम आर, अब कुछ दे रखे हैं, जैसे पहला आपको दे रखा है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आप खुद देख सकते हो कि एक फाइनेंस मैनेजर होगा, वो जनरली ये देखना चाहेगा कि हमारे फर्म की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के हिसाब से वो फ्यूचर से रिलेटेड पार्ट देख पाएगा, उसकी स्ट्रेटेजी बना पाएगा, प्लान उस हिसाब से कर पाएगा। तो आपको पता है कि फ्यूचर में अलग अलग इकोनॉमिक सिनेरियो आ सकते हैं, क्या पता रिसेशन आ जाए, क्या पता बूम की सिचुएशन आ जाए, तो उस केस में अगर डिमांड ज़्यादा हो गई तो हम बोल सकते हैं कि कहाँ से हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को ले पाएंगे, तो उसके लिए हमें फ़ंड की ज़रूरत होगी। अगर रिसेशन आ गया तो हमने जो ज़्यादा लोन लिया हुआ है उसमें हमें इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, तो कैसे हम पर्टिकुलर जो डिमांड कम हो रही है और हमें गुड्स क्या करना है, बेचना भी ज़्यादा है, ताकि हमारे पास इन्फ्लो हो सके और हम पर्टिकुलर अपनी कॉस्ट का सामना कर सके, तो उस हिसाब से क्या फाइनेंशियल सिचुएशन रहेगी या फ्यूचर में क्या सिनेरियो रहेगा, तो उसके लिए हमें आज की कंडीशन पता होनी चाहिए, इसमें बोल रहा है। तो उसकी हेल्प यानी उसके लिए हमें कौन हेल्प करता है, जनरली फाइनेंशियल बजट, ठीक है। तो फाइनेंशियल बजट एक तरीके से आपको ये बताता है कि आपको फाइनेंशियल प्लान कैसे करना है या आपको कैसे अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना है। तो बोला एनी बिजनेस और कंपनी मस्ट मैनेज एंड मेक देयर एनालिसिस एंड प्लानिंग, टू मेक दिस प्लानिंग्स एंड मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द फर्म। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन ही शी रेगुलेट्स द प्लान एंड मैनेजिंग स्ट्रेटजीज फॉर फ्यूचर फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द फर्म विद इन डिफरेंट इकोनॉमिक सिनेरियो। फाइनेंशियल बजट जो होता है वो किस पर रिलाई करता है, ऑल्सो रिलाइज इन दीज फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल बजट सर्व्स एज द बेसिस ऑफ कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल प्लान। तो एक तरीके से जो फाइनेंशियल बजट है वो भी ये बताता है कि जो फाइनेंशियल प्लान है उसको आपको कैसे ठीक करना है, कैसे बनाना है, ताकि आगे फ्यूचर में आपको कोई पर्टिकुलर दिक्कत ना आए। तो एक तरीके से वो कंट्रोल का पार्ट बताएगा। फिर आपको बोल रखा है स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये नॉर्मल पार्ट है कि आप क्या कर रहे हो, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना चाहते हो, क्या लाइबिलिटीज़ क्या एसेट्स है वो सारा पार्ट देखना चाहते हो। तो वो स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस एक तरीके से आपको बता देगा कि आपको कितने फंड की ज़रूरत है ताकि आपको ग्रो करना है, ठीक। लेकिन इसके अलावा बोल रहा है कि फाइनेंशियल सिचुएशन और प्रॉब्लम जो कि अराइज होती है किसमें, जब भी बिजनेस फर्म का प्रमोशन करना पड़ता है, आपको अलग अलग जगह उसका एक्सपांशन करना पड़ता है, डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता है, और जब भी बिजनेस फर्म को क्या करना पड़ता है, अपना रिहैबिलिटेशन करना पड़ता है, रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बिजनेस फाइनेंस एक तरीके से बिजनेस क्या चल रहा है, लॉस में चल रहा है, तो उसको वापस से क्या करना है, प्रॉफिट की यानी पटरी पे लेके आना है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिहैबिलिटेशन करना पड़ेगा, तो नेसेसरी एडजस्टमेंट करने, तो वो किसके थ्रू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के थ्रू, कि भाई बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हो गई हैं, थोड़ा सा कम किया जाए, तो उसके लिए फ़ंड कहाँ कहाँ से यूज़ किया जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा क्या करना है, पर्टिकुलर गुड्स को बेचना है, तभी जाके क्या होगा, हमारी सेल होगी, उसके थ्रू प्रॉफिट आएगा, तो जो लॉस की सिचुएशन है उसको कम किया जाए। तो ये बोल रहा है कि जब भी नए बिजनेस का प्रमोशन करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी है किसके वे में, एक्सपांशन के वे में, तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखना पड़ता है। तो ये बोला दिस स्टेटमेंट कंसिस्ट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ न्यू बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी इन द वे ऑफ एक्सपांशन, नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ द फर्म इन डिफिकल्टीज। तो जब भी फर्म डिफिकल्टीज में होगी तो उसका कैसे रिहैबिलिटेशन किया जाए, वापस से उसको कैसे पटरी पे लाया जाए, तो वो किसके थ्रू हो पाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के थ्रू, और हम ये देख पाएंगे कि बिजनेस फाइनेंस कितना हमारे लिए
जरूरी है। ठीक, अगला आ रहा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट। तो ये जो जनरली कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट बोल रहा है, इसमें जनरली आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन की बात कर सकते हैं अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट कवर कर रखा है। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म एसेट्स से रिलेटेड फाइनेंशियल डिसीजन लेने कि कैसे वो लॉन्ग टर्म एसेट्स, मतलब मैंने जो मैं आपको मशीनरी से बोली या आपको जो कैपिटल अरेंज करनी है वो कैसे आप अरेंज कर रहे हो। अब आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, उनमें से आपको कोई बेस्ट अल्टरनेटिव चुनना है, तो अल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं, उसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है, तो उसके लिए आपको बिजनेस फाइनेंस की नीड होगी। ठीक है, तो अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है कैपिटल बजटिंग में। आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जैसे NPV, IRR। फिर इसके अलावा आपको पता है कि जब रिस्क की बात होती है या अनसर्टेनिटी की बात होती है तो रिस्क एनालिसिस भी करते हो, तो इसमें आप जनरली क्या करते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी स्टैटिस्टिक्स की भी टेक्निक का यूज़ करते हो, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट ऑफ रिटर्न का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग मैनेजमेंट टेक्निक का यूज़ कर सकते हो, जिससे पता चल सके कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल वर्थ है या नहीं है उसकी, और साथ में ये भी पता कर सकें कि उसकी कोई अनसर्टेनिटी या रिस्क तो नहीं है। तो वो किसके थ्रू पता चलेगी कि फ्यूचर में जो भी हम इनफ्लो कमा रहे हैं उस पर कितनी रिटर्न आ रही है, यानी फ्यूचर में जो भी हमने क्या कर रहा है, हम सोच रहे हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका आज ही एस्टिमेट सोच रहे हैं कि इतना जनरली इनफ्लो होगा और उस पर जो कॉस्ट है वो इतनी इनकर होगी, तो हम देख सकते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलेगी जो कि फ्यूचर में आगे एक्सटेंड हो सकती है। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं पूरा पार्ट बताऊंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगी और आपको भी बोरिंग लगने लग जाएगा। रेजिंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसका आप यूज़ करना चाहते हो, यानी आपको पता है कि आपको कैपिटल के सोर्सेस पता है कहाँ कहाँ से अरेंज होंगे, तो उसको आप यूज़ करना चाहते हो आपके बिजनेस के बेनिफिट के लिए। तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है, बोल रहा है बिजनेस फाइनेंस हैज़ टू रेज मनी फ्रॉम द कंपनी विद द असिस्टेंस ऑफ सोर्सेज। अब किसके थ्रू, स्टॉक को बेच के, डेबेंचर इशू करके, बैंक के थ्रू, मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिटर यानी सप्लायर जिससे हम क्या कर सकते हैं, गुड्स परचेज कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि आप अपनी कैपिटल को कैसे न कैसे करके रेज करोगे, आप क्या कर सकते हो, इक्विटी शेयर को बेच भी सकते हो, मतलब इशू कर सकते हो जिससे आपको लॉन्ग टर्म फंड मिल सके। क्यों, क्योंकि कंपनी को एक्सपांशन करना है, कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाना है। इसी तरीके से बोल रहा है कि बैलेंसिंग बिजनेस फाइनेंसिंग इज़ एन एक्ट दैट इज़ डेलिकेट। तो यह बहुत डेलिकेट है, अगर आप इसको क्या करोगे, सही ढंग से यूज़ नहीं करोगे तो बिजनेस फाइनेंस गड़बड़ा जाएगा, क्या पता आपकी कॉस्ट ज़्यादा आने लग जाए और आपके जो बेनिफिट है वो नहीं हो पाए और आपको लॉस का सामना करना पड़ सके। तो इसलिए बिजनेस फाइनेंसिंग को सोच समझ के आपको करना पड़ता है। फिर बोल रहा है इन्वेस्टिंग कैपिटल, तो बोल रहा है कि आपकी दो टाइप की कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए दो टाइप की कैपिटल होती है, एक तो होती है वर्किंग कैपिटल और एक फिक्स। वर्किंग कैपिटल आपको पता है कि जनरली डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो एक्सपेंसेस इनके पे करने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जरूरी होता है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जैसे आप बोलते हो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, उसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि कितनी आपकी वर्किंग कैपिटल की नीड है, जैसे सैलरी पे करना है, मैंने बताया एक्सपेंसेस पे करना है, वो सारा पार्ट, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वो सारा पे करना है, तो उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल की कितनी नीड है, यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंस की कितनी नीड है। जबकि फिक्स कैपिटल का मतलब क्या हो गया, आपको लॉन्ग टर्म के लिए पर्पज के लिए क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए, यानी आपको फिक्स्ड एसेट खरीदनी है, आपको लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारा पार्ट इसने बोल रखा है, प्रॉपर्टी वो खरीदनी है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आपको फाइनेंसिंग डिसीजन लेना पड़ता है, आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये बोल रहा है व्हाइल फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग डिसीजन आर द लाइक टू एजेस ऑफ ए सेम कॉइन। फिर आपको बोल दिया मैनेजिंग मॉनिटरिंग फाइनेंस एंड रिस्क, ये तो नॉर्मल पार्ट है। देखो आपको पता है कि बहुत सारे टूल टेक्निक्स यूज करने पड़ते हैं आपको फाइनेंस को मॉनिटर करने के लिए। तो ये बोल रहा है मॉनिटरिंग फाइनेंसिंग इज ए टेक्नोलॉजी, वो एक टेक्नोलॉजी है, देयर इज सर्टेनली अ सॉल्यूशन इट एंड इट्स नॉट ए सिंपल जॉब एट ऑल। तो बोल रहा है कि जनरली इसका एक सॉल्यूशन होता है लेकिन ये कोई सिंपल जॉब नहीं होता, इसके लिए आपको बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक की जरूरत होती है। ठीक, तो ये बोल रहा है कॉर्पोरेट फाइनेंस को क्या करना पड़ेगा, हैज़ टू कंट्रोल एंड मैनेज द फाइनेंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के फाइनेंस को कंट्रोल और मैनेज करना पड़ेगा। दे शुड मिनिमाइज द रिस्क, रिस्क मिनिमाइज करनी पड़ती है और आपको पता है कि गैरेंटीड रिटर्न की उम्मीद होती है। तो बोला एट द सेम टाइम गारंटी मैक्सिमम रिटर्न इन द कैपिटल दैट इज स्पेंड। तो बोल रहा है कि उन टूल्स हैं टेक्निक के थ्रू आप रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हो और गारंटी को मैक्सिमम करने, यानी रिटर्न को मैक्सिमम करने की सोचते हो। ठीक है, तो ये किसके थ्रू हो सकता है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के थ्रू, बिजनेस फाइनेंस के थ्रू। अब फाइनेंस मैनेजमेंट, ये जनरली हम बोल सकते हैं कि हमारी जो पर्टिकुलर बिजनेस में हम बोल सकते हैं कि एसेट्स लायबिलिटी की बात करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि कितना इक्विटी के साथ डेट फाइनेंस मिक्स किया गया है, तो जनरली वो फाइनेंस मैनेजमेंट का पार्ट आ गया। अब आपको पता है कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, मैंने बताया आप इन्वेस्टिंग डिसीजन देख सकते हो, फाइनेंस डिसीजन देख सकते हो, डिविडेंड डिसीजन देख सकते हो, तो ये बताना चाहता है कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या कंप्रोमाइज़ है, यानी इक्विटी कितना पार्ट है और डेट कितना मिक्स है, ताकि आपका एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बन सके।
हम आपको ये बताते हैं कि जनरली मैंने आपको जब भी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या आगे कभी भी मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट आपको बताया था, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था, जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर का एक टॉपिक बताया था कि डेट का यूज़ ऐसे किया जाए जिससे शेयर होल्डर की रिटर्न मैग्नीफाई हो सके। इसका मतलब क्या हो? शेयर होल्डर को रिटर्न मिल सके। आप कौन सी फॉर्म हो, लीवरेज या अनलीवरेज? लीवरेज का मतलब क्या हुआ? आपका इक्विटी के साथ डेट भी मिक्स है। अनलीवरेज का मतलब क्या हुआ? आपका सारा पार्ट इक्विटी का है, लेकिन आप इतना रिटर्न गेन नहीं कर पाओगे अगर आप सिर्फ इक्विटी में ही बिलीव कर रहे हो। अगर आपके अपने आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो आपको साथ में डेट फाइनेंस का भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? आपका धीरे धीरे एक्सपांशन होगा, क्योंकि आपको जो सोर्स है या बहुत ज़्यादा आपको मनी की ज़रूरत है, वो जरूरी नहीं कि इक्विटी के थ्रू पूरी हो सके, आपको डेट का भी यूज़ करना पड़ता है। तो एक बार आप देख लेना, इसमें बोल रखा है कि इक्विटी डेट का मिक्स पार्ट बता रखा है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट बता रखा है। अब एट्थ में आपको बोल रखा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो ये तो वही आपको पता है कि जनरली हमें शॉर्ट टर्म एसेट्स की कितनी नीड है, तो उससे रिलेटेड फाइनेंशियल डिसीजन के लिए भी बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत होती है, ठीक? तो ये बोला जो शॉर्ट टर्म सक्सेस है वो एक तरीके से लॉन्ग टर्म सक्सेस की नेसेसिटी है। तो ये बोल रहा है कि पहले शॉर्ट टर्म डिसीजन को पूरा करो, उसके थ्रू ही लॉन्ग टर्म सक्सेस धीरे धीरे पूरी होती जाएगी। एफिशिएंसी इन द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग मनी एनश्योर द बैलेंस बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। तो ये बोल रहा है कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विड की जरूरत होती है, और हर साल आप क्या करते हो, प्रॉफिट देखते हो अपना, तो उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट की जरूरत तो होती ही होती है। और लास्ट है आपका डिविडेंड मैनेजमेंट। तो देखो इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि आपने जो डिविडेंड, आपने जो प्रॉफिट कमाया उसमें से, यानी जो आपने रेवेन्यू कमाया उसमें से आप कितना क्या कर रहे हो, डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो शेयर होल्डर को, कितना आप रिटेन करके बैठे हो, तो कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो और कितना आप डिविडेंड के फॉर्म में दे रहे हो, ठीक है? इन्वेस्ट का मतलब क्या हुआ, खुद आप रिटेन करके बैठे हो और आप आगे क्या करना चाहते हो, उसके उसी सोर्स के थ्रू बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो। और डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या हो गया, कि आप कितना शेयर होल्डर को उस प्रॉफिट में से बांट रहे हो, ठीक? तो ये बोल रहा है कि एवरी डिविडेंड चॉइस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ द फर्म। फर्म के फाइनेंसिंग डिसीजन पे डिपेंड करती है कि फर्म कैसे डिविडेंड देगी। द कंपनी शुड डिटरमिन हाउ मच ऑफ रेवेन्यू शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड एंड हाउ मच शुड बी रिटेन्ड एज अर्निंग। हियर द मॉनिटरी सुपरवाइजर शुड डेवलप ए डिविडेंड पॉलिसी दैट इज साउंड। तो इसके अलावा आपको पता है कि आपको फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करना है, आपको इंटरनेशनली क्या करना है, फाइनेंस चाहिए, तो उसके लिए आपको सोर्स ऑफ फाइनेंस बहुत सारे अलग अलग प्रोवाइड होते हैं, जो कि जनरली आप देखते रहते हो, ठीक? अपने बिजनेस की नीड में, या आप जब भी करंटली थ्योरेटिकल कोई भी पार्ट पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि यार फाइनेंस की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो देखो सोर्स ऑफ फाइनेंस आपको दे रखा है टाइम के बेसिस पे, ठीक है? दूसरा दे रखा है ओनरशिप के बेसिस पे, इसके मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं। और ये तीसरा दे रखा है बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, तो सोर्स ऑफ जनरेशन के बेसिस पे इंटरनल एक्सटर्नल। तो अभी इस पे आएंगे अपन, लेकिन पहले अपन इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ठीक है? यानी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो लॉन्ग टर्म सोर्स, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेस देन वन ईयर। दीज सोर्सेज प्रोवाइड फाइनेंस टू बिजनेस फर्म फॉर लेस देन वन ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, एक साल से कम के लिए इन सोर्सेज के थ्रू आपको फाइनेंस मिल रहा है, ठीक? अब इसमें जनरली आपको क्या आएंगे, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपको क्या आ जाएंगे, ट्रेड पेपर के फॉर्म में आ गए, ठीक है? आपके कमर्शियल पेपर आ गए, आपके ट्रेजरी बिल आ गए, तो जनरली वो सारे पार्ट इसमें आ जाते हैं। तो आगे मैंने ऊपर एग्जांपल दे रखे हैं, वो आप एक बार पढ़ लेना, या मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा पार्ट 5 मिनट और लगेगा इन थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ने के बाद। मीडियम सोर्स क्या होते हैं, एक्सीडिंग वन ईयर बट लेस देन 5 ईयर, ठीक है? दीज सोर्सेज प्रोवाइड फाइनेंस टू बिजनेस फर्म फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग वन ईयर बट लेस देन 5 ईयर। लॉन्ग टर्म, दीज सोर्सेज प्रोवाइड फाइनेंस टू बिजनेस फर्म फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर, तो 5 साल से ज़्यादा, ठीक है? यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो फाइनेंस हम ले रहे हैं, जिसका हम पेमेंट क्या करेंगे, 5 साल बाद पे करेंगे, तो वो हो गए लॉन्ग टर्म सोर्सेज। मीडियम टर्म सोर्सेज क्या हो गए, जिनका हम पेमेंट जो करेंगे वो 1 से 5 साल के बीच में करेंगे, ये हो गए। शॉर्ट टर्म सोर्सेज, जहाँ पे हम क्या बोलेंगे, लेस देन 1 ईयर, ठीक? तो इस तरीके से आपको फाइनेंसेस प्रोवाइड हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको बोल दिया कि जनरली यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं एक्सीडिंग 5 ईयर, क्योंकि लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, तो उसमें हमें पता है कि जैसे हमने इक्विटी शेयर इशू कर लिए, ठीक है, डिबेंचर्स इशू कर लिए, वो सारे लॉन्ग टर्म सोर्स से रिलेटेड हो गए। मीडियम टर्म सोर्सेज में आपके प्रेफरेंस शेयर भी आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज में प्रेफरेंस शेयर आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे आपने 4 साल की मैच्योरिटी के प्रेफरेंस शेयर इशू करें, अगर लॉन्ग टर्म सोर्स की बात करें तो 8 साल, 10 साल, यानी 5 साल से ज़्यादा के इशू करें, तो एक तरीके से वो लॉन्ग टर्म सोर्स में आ जाएंगे। फिर आपको बोल रखा है ओनरशिप के बेसिस पे होते हैं, तो 2 फंड होते हैं, एक ओनर्स फंड और एक बोरोड फंड। ओनर्स फंड क्या है, आपको पता है कि फंड या फाइनेंस जो कि बिजनेस का ओनर प्रोवाइड कर रहा है। आपको पता है कि जब भी बिजनेस का ओनर प्रोवाइड करता है तो ये वापस से बिजनेस को पे करने की जरूरत नहीं होती है, जब तक कि बिजनेस बंद नहीं होता, तो एक तरीके से परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, याद रख लेना, ठीक है?
यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भी बिजनेस का ओनर प्रॉफिट कमाता है वो उस प्रॉफिट को वापस से री इन्वेस्ट करना चाहता है। तो ओनर्स फंड का मतलब क्या हुआ, जो भी उसने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करी, जो भी उसने रिजर्व एंड सरप्लस कमाया, उसको वापस से क्या करना चाहता है, बिजनेस में री इन्वेस्ट करना चाहता है। तो जो रिटेन अर्निंग को रोक के रख रहा है वो किसी को बांट नहीं रहा या वो उसको देने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वापस उसको पेड बैक करने की ऑब्लिगेशन नहीं है। जबकि आप जब भी लोन लेते हो, जैसे बैंक से लिया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, यानी आपने कोई एक्सटर्नल सोर्स का पार्ट लिया, जैसे लोन या क्रेडिट के फॉर्म में किससे लिया, पब्लिक से लिया, आपने डिबेंचर इशू कर लिए, पब्लिक डिपॉजिट इशू कर लिए, आपने बॉन्ड इशू कर लिए, आपने बैंक से लोन लिया, कमर्शियल बैंक से, आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया। अब देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा यूनिट 7 में आ जाता है, तो उस वक्त कवर कराऊंगा। तो इस तरीके से अभी कवर कराने की ज़्यादा नीड नहीं थी, नहीं तो एक वीडियो क्या हो जाएगी, डेढ़ डेढ़ घंटे की बन जाएगी और आपको समझ में भी पार्ट नहीं आएगा। दीज फंड आर रेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड आर रिक्वायर्ड टू बी पेड बैक, याद रखना, आफ्टर ए स्टिपुलेटेड पीरियड। आपने लोन लिया 5 साल का, तो 5 साल बाद आपको पे करने की जरूरत है। इस पे जनरली एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन अमाउंट रेज फ्रॉम दीज सोर्सेज। तो जनरली बोल रहा है कि एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें पे करने की जरूरत होती है, जो कि इनके रिसोर्सेज के थ्रू होती है। मतलब इसमें कोई ना कोई मैच्योरिटी का टर्म होता है और आपने जो लोन लिया वो इंटरनल सोर्स से नहीं लिया, ये इंटरनल सोर्स से और ये एक्सटर्नल सोर्स से, ठीक। अब आपको बोल रखा है किसके बेसिस पे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। तो देखो इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स का मतलब क्या हो गया, जनरली वो फंड जो कि विद इन ए बिजनेस, बिजनेस के अंदर से ही जनरेट होते हैं। जैसे हम डेटर से जो कलेक्शन कर रहे हैं, हम हमारी जो सरप्लस इन्वेंट्री है उसको बेच रहे हैं, हम अपने प्रॉफिट को प्लो बैक कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम अपनी अर्निंग्स को बढ़ाते जा रहे हैं और उसको होल्ड करते जा रहे हैं, रिटेन अर्निंग ये मान लीजिए। तो हमारा जो प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं हर साल, उसमें से हिस्सा रोकते जा रहे हैं और उसको रिटेन अर्निंग के फॉर्म में रखते जा रहे हैं। दीज सोर्सेज कैन हाउएवर फुलफिल ओनली लिमिटेड नीड्स। तो आपको लॉन्ग टर्म नीड्स पूरी करनी है तो उसके लिए इंटरनल सोर्स काम नहीं आएगा, उसके लिए क्या काम आएगा, एक्सटर्नल सोर्स। आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट की जरूरत है तो एक्सटर्नल सोर्स, क्यों, क्योंकि वो जनरली कहाँ से मिलता है, बिजनेस के बाहर से। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ आपको डिबेंचर्स, लोन जो कि आप कमर्शियल बैंक से लेते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हो, या पब्लिक के फॉर्म में क्या करते हो, आप इशू करते हो। एक तरीके से वो ओन्ड और बोरोड फंड है ना, उसकी तरह ही हो गया, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। हल्का हल्का पार्ट वही है। तो देखो क्या बोल रहा है, दीज इंक्लूड ऑल दोज फंड विच आर जनरेटेड फ्रॉम आउटसाइड बिजनेस, दीज सोर्सेज कैरी ए कॉस्ट। तो इसमें एक कॉस्ट कैरी होती है, बट लार्ज अमाउंट कैन बी रेज्ड। जनरली इन पे कोई कॉस्ट कैरी नहीं होती है, ठीक है, इस पे आपको एक्स्ट्रा पार्ट देना नहीं पड़ता। जबकि यहाँ पे आपको पता है कि फिक्स इंटरेस्ट का पार्ट होता है तो वो तो पर्टिकुलर आपको देना ही पड़ता है। जैसे प्रेफरेंस शेयर, उस पे डिविडेंड का पार्ट देना पड़ता है। आप जैसे डिबेंचर्स बोलोगे, आपको उस पे इंटरेस्ट का पार्ट देना पड़ेगा। तो बोला बट लार्ज अमाउंट कैन बी रेज थ्रू दीज सोर्सेज, ऑल्सो इन सम केसेज बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू मॉर्गेज असेट्स फॉर रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम दीज सोर्सेज। तो बोला जब भी आपको फाइनेंस की नीड होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से कुछ ना कुछ एसेट्स गिरवी रखनी पड़ सकती है इन पर्टिकुलर केसेस में, ठीक है। अब सबसे पहले हम पीरियड, फिर ओनरशिप, फिर सोर्स ऑफ जनरेशन का पार्ट देख रहे हैं। तो उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार, जो मैंने ऊपर कवर किए। तो देखो आपको बोल रखा है ये रहा बेसिस ऑफ टाइम, इसमें लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 5 ईयर, मीडियम टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर बट अप टू 5 ईयर, और शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, लेस देन 1 ईयर। तो देखो लॉन्ग टर्म का पार्ट देख लीजिए क्या बोल रहा है, उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। अब आप देख सकते हैं, देखो इक्विटी शेयर आपको पता है जनरली क्या होते हैं, ये ओनर्स का पार्ट डिनोट करते हैं कि जो जनरली इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं मेंबर, वो क्या होते हैं, कंपनी के ओनर के फॉर्म में होते हैं। तो ये ओनर्स फंड की बात करेगा, या हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से इंटरनल सोर्सेज की बात करेगा। जब आप प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं तो इनको पहले प्रेफरेंशियल राइट होता है किसका, डिविडेंड का, और जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो कैपिटल का राइट भी पहले होता है, किन से पहले, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। तो आप जब इनका डिटेल का पार्ट पढ़ोगे तो वो तो पर्टिकुलर जैसे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का टॉपिक आएगा, तो उसमें जब हम क्या करेंगे, कंपनी से रिलेटेड बात करेंगे, इशू ऑफ शेयर, तो उसमें इक्विटी प्रेफरेंस का थोड़ा पार्ट ले लेंगे। इस तरीके से आपका पार्ट आएगा इंटरनल एक्रूअल्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, टर्म्स लोन, वेंचर फंडिंग, एसेट सिक्योरिटाइजेशन। तो देखो देखो जैसे ये एसेट सिक्योरिटाइजेशन है, इसका एक पूरा पर्टिकुलर अपना टॉपिक है, वो आपका कवर हो जाएगा। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, यूरो इशू, फॉरेन करेंसी लोन्स, ADR, ठीक है, GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये सारा पार्ट आपका क्या आएगा, जैसे बिजनेस फाइनेंस में आ जाएगा आपका ये वाला पार्ट। तो इस तरीके से आपका सारा पार्ट कवर हो गया, ये भी बिजनेस फाइनेंस में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये लॉन्ग टर्म के सोर्स क्यों है, क्योंकि इसमें आपको क्या है, बहुत ज़्यादा फंड की जरूरत होती है। जब हमें लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन चाहिए होते हैं, लेने होते हैं, बिजनेस को एक्सपांड करना होता है, हमें ये बोल सकते हैं कि इंटरनेशनली, ग्लोबली दूसरा बिजनेस भी करना पड़ता है, तो उस केस में हमें फाइनेंस की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो आप इनके थ्रू पूरा का पूरा फाइनेंस अरेंज कर सकते हो।
फिर आपको प्रेफरेंस शेयर भी दे रखे हैं, तो देखो यहाँ भी दे रखे हैं और मीडियम टर्म में भी दे रखे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 5 साल से कम के लिए भी प्रेफरेंस शेयर आप इशू कर सकते हो, तो 1 से 5 साल के अंदर जनरली आ रहे हैं, डिबेंचर भी आ रहे हैं, मीडियम टर्म लोन भी हो सकते हैं। जैसे आपके ये टर्म लोन है तो ये लॉन्ग टर्म के हो गए, वैसे ही मीडियम टर्म लोन भी हो सकते हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो गए। ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही है, गवर्नमेंट से, कमर्शियल बैंक से, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए और ये मीडियम टर्म के लिए, ठीक। फिर लीज फाइनेंस हो गया, हायर परचेज फाइनेंस हो गया, वो इसमें आ जाएगा, ठीक। अब लीज फाइनेंसिंग क्या है उसका टॉपिक वैसे आपकी अगली वीडियो में आएगा। हायर परचेज जनरली आपने कवर किया होगा, जिसमें एक हायर वेंडर होता है, ठीक, और एक क्या होता है परचेजर होता है। हायर वेंडर क्या करता है, अपनी एसेट सेल करता है, जो कि जनरली क्या करता है हायर परचेजर उसको इंस्टॉलमेंट में पे करता है, जो भी उससे क्या करता है वो परचेज कर लेता है पर्टिकुलर एसेट्स या पार्ट। तो एक तरीके से फाइनेंस का ही सोर्स है, आपको वो एसेट्स है वो क्या हो रही है इंस्टॉलमेंट में अवेलेबल हो रही है। फिर जब आप किसकी बात करते हो, आप ट्रेड क्रेडिट की बात करते हो, तो ट्रेड क्रेडिट क्या है, एक बिजनेस टू बिजनेस एग्रीमेंट है जिसमें कस्टमर क्या कर सकता है गुड्स परचेज कर सकता है, लेकिन कैश अभी नहीं देगा, वो क्या करेगा सप्लायर को 30 दिन बाद, 60 दिन बाद, 90 दिन बाद ऐसे पे करेगा। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बिल जनरेट हुआ और बिल का जो पेमेंट है वो बाद में करेगा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो हम बोल सकते हैं कि जो लिक्विडिटी है उसका वो यूज़ कर सकता है आराम से, क्योंकि वो 2 महीने बाद पेमेंट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि वो पेमेंट का क्या कर रहा है, डेफरमेंट कर रहा है, पेमेंट को रोक रहा है और गुड्स एंड सर्विसेज को अभी से अवेल कर रहा है। तो ये कैसे मिलेगा, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो भी गुड्स परचेज कर रहा है उसकी, हम बोल सकते हैं मार्केट में गुडविल अच्छी है, उसके थ्रू ही उसकी क्रेडिट वर्थीनेस ज़्यादा है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने उसकी क्रेडिट अच्छी दी हुई है, तो उस केस में वो आराम से फाइनेंस अरेंज कर सकता है किसके थ्रू, गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू, और पेमेंट वो लेट करेगा तो उसे हम बोलेंगे ट्रेड क्रेडिट। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म लोन, फिक्स डिपॉजिट जो 1 साल से कम के लिए हो, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, क्रेडिटर, ये सारे अपने क्या हैं शॉर्ट टर्म के, याद रखना। पेबल्स, फैक्टरिंग सर्विसेज, ये तो आप जानते हो कि जैसे आपने क्या करा, मान लो कि किसी पर्टिकुलर कस्टमर्स को माल बेचा, आपको पता है कि 3 महीने बाद पैसे आने, लेकिन आपने एक फैक्टरिंग एजेंसी हायर कर ली और उससे पैसे ले लिए, अब वो कुछ चार्जेस लेगी और आपने वो फंड रेज कर लिया, अब वो फैक्टरिंग एजेंसी क्या करेगी 3 महीने बाद उस कस्टमर के पास जाएगी और पैसा रिकवर कर लेगी, लेकिन आपको जब फंड की नीड थी तो आपने फैक्टरिंग सर्विसेज का यूज़ कर लिया और आपको जल्दी से जल्दी फंड मिल गया, क्योंकि आपको नहीं तो 3 महीने का वेट करना पड़ता। हाँ पैसे पूरे मिलते पर क्या पता डूबने के चांस भी हो सकते थे, जो कि सारा का सारा आपकी रिस्क किसने ले ली, उस फैक्टरिंग एजेंसी ने ली। बिल को डिस्काउंट करा सकते हो। ट्रेजरी बिल्स, अब जब आप ट्रेजरी बिल्स की बात करते हो तो ये RBI इशू करता है, आपको बताइए शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्रंच के लिए। आप बोलोगे सर पूरा पार्ट बताओ, तो वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मनी मार्केट जब आएगा तब उसमें आपका पूरा पार्ट आएगा। जनरली ये इसमें जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट होते हैं और ये 3 टाइप के हो सकते हैं, 91 डेज, 182 डेज और 364, मतलब 1 साल से कम के ही हो गए। इसी तरीके से आपके कमर्शियल पेपर भी होते हैं, तो ये अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होते हैं जो कि लार्ज बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, प्राइमरी डीलर, सैटेलाइट डीलर और ये बोल सकते हैं जितने भी इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इशू करते हैं। ये 7 दिन से लेकर 1 साल तक की मैच्योरिटी की हो सकते हैं इशू डेट से। अब इसमें मिनिमम अमाउंट आपको जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो 5 लाख है, उसके मल्टीपल में इशू करना पड़ेगा, जनरली होता है, ठीक है। और जो कंपनियां इशू करती है जनरली उनकी वर्थ 4 करोड़ या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये सारा पार्ट मैं आपको, मैंने बताया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कवर कराऊंगा जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। फिर देखो ओनरशिप के बेसिस पे कुछ आ गए तो एक बार पढ़ लीजिए। देखो इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस और रिटेन, तो ये ओन्ड हो गए इंटरनल, जिसमें आपको वापस से पे करने की जरूरत नहीं होती है, मैंने बताया जब तक कि बिजनेस नॉर्मल चल रहा होता है। आप इक्विटी की बात करते हो, बोलते हो सर हमने तो बेच दिए शेयर, देखो बेचे तो वो ट्रांसफर हुए, वो कोई पेमेंट नहीं हुआ, कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल तो इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। बस ये बोल सकते हैं कि मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है तो उसके हिसाब से कंपनी की गुडविल पर असर पड़ता है और उसके बिजनेस पर असर पड़ता है, लेकिन आप देख सकते हो कि इक्विटी शेयर कैपिटल तो फेस वैल्यू की है वो वही रहेगी जब तक कंपनी बंद नहीं होगी। तो इक्विटी, प्रेफरेंस और रिटेन अर्निंग। बोरोड में क्या दे रखा है आपको, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है, लीज फाइनेंसिंग, कमर्शियल पेपर, तो ये सारे क्या है एक्सटर्नल सोर्स हैं। तो बोरोड किए हुए हैं जिस पर आपकी पेमेंट करने की ऑब्लिगेशन रहती है। अब देखो सोर्स ऑफ जनरेशन के बेसिस में मैंने क्या बताया, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो विद इन द बिजनेस और एक्सटर्नल मतलब क्या हो गया, जो आउटसाइड द बिजनेस अरेंज किए जाते हैं। तो विद इन बिजनेस आपके जनरली क्या हो सकते हैं, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग, स्टॉक बेचा, फिक्स्ड डेट बेची, डेट कलेक्शन, इसका मतलब क्या हो, कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल, कस्टमर से जो आपको पैसा मिला, डेटर से जो आपको पैसा मिला, वर्किंग कैपिटल को आपने यूटिलाइज किया, कम ज़्यादा किया, उसके थ्रू आप फाइनेंस अरेंज कर रहे हो, तो वो सारा पार्ट आपका इंटरनल का हो गया। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम बैंक, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर क्यों हो गए, क्योंकि जनरली आपको क्या करना पड़ता है, मैच्योरिटी डेट पे उसको पे करना पड़ता है। तो विद इन द बिजनेस मैंने इक्विटी शेयर लिखा है,
और प्रिफ्रेंस शेयर का पार्ट मैंने एक्सटर्नल वाले पार्ट में जनरली लिख लिया, क्योंकि इसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, पर मुझे लगा कि पार्ट यही सही है, क्योंकि इंटरनल सोर्स से रिलेटेड क्या हो गया, इसमें पेमेंट की जनरली ज़रूरत नहीं होगी, जबकि एक्सटर्नल में क्या हो गया, आपको मैच्योरिटी डेट पे, या हम बोल सकते हैं कि इस पे एक फिक्स इंटरेस्ट का या कॉस्ट का पेमेंट करना पड़ता है, तो प्रिफ्रेंस शेयर पे जैसे डिविडेंड का, लोन पे क्या हो गया इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है, पब्लिक डिपॉजिट भी क्या हो गया आपने इशू करे उस पे भी आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, डिबेंचर्स पे भी, लीज फाइनेंसिंग का मतलब क्या हो गया, लेसर और लेसी, लेसर ने क्या करा, जो भी अपनी एसेट दी उस पे वो लीज रेंट ले रहा है, ठीक है, तो वो 10 साल, 8 साल, 5 साल, जिस भी मैच्योरिटी के पीरियड के लिए हुआ, जनरली क्या होता है मीडियम टर्म के लिए होता है, तो हम बोल सकते हैं 3-4 साल के लिए ही जनरली हो सकता है, तो 1 से 5 साल के अंदर ये आता है पार्ट। कमर्शियल पेपर, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, फैक्टरिंग सर्विसेज मैंने आपको भी बताया, तो इस तरीके से एक्सटर्नल सोर्स है जिससे आप आराम से फंड अरेंज कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये सारा पार्ट आपका कवर हो ही चुका है। अब अगली वीडियो में मैं जो आपको लिंक दूंगा वो दूंगा लीज फाइनेंसिंग का और उसके MCQs से रिलेटेड लिंक, उसके बाद आप उसको पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को देखिएगा, फिर क्वेश्चन कीजिएगा, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैं आपको क्वेश्चंस का प्रोवाइड करा दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी ये वाली। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।